मंडी जिले के जोगिंदरनगर में एक दिव्यांग ने सरकारी योजनाओं का लाभ न मिलने के संगीन आरोप लगाकर जिल्लत भरी जिंदगी का दुखड़ा प्रशासन के समक्ष कहा। साथ ही उसने बताया कि लंबे अरसे से साजिश के तहत बीपीएल श्रेणी में शामिल नहीं किया जा रहा है और ऐसे में वो नरकीय जीवन जीने के लिए मजबूर है। पंचायत की लचर कार्यप्रणाली के चलते उन्हें प्रदेश और केंद्र सरकार की कई महत्वाकांक्षी योजनाओं का लाभ नहीं मिला है। तो वहीं विकासखंड पंचायत की कार्य प्रणाली पर सवाल उठाते हुए पंचायत सचिव पर भी निशाना साधा और मुख्यमंत्री से शिकायत कर बीपीएल श्रेणी में हो रही धांधली का पर्दाफाश करने की गुहार लगाई है। इसमें चाइन हुआ था तो कम से कम 6 महीने हो गए, इसके उपरांत एक्चुअली मेरा इसमें IRDP में नाम नहीं ले रहा। जितनी बार भी जाता हूँ तो एक तो मिलता नहीं है, ये तो फिर बोलता 70% बना के ले आओ, तो मेरे पास 60% का प्रमाण पत्र तो मैं 70% ले सकता हूँ और 4 साल से मैं बिस्तर में पड़ा हूँ और मेरी घरवाली का भी ऑपरेशन होके रखा है 2 महीने से, तो मेरे को घर की बहुत आर्थिक समस्या पड़ रही है। वो मना करता कि मैंने 1100 नंबर हेल्पलाइन में कंप्लेन करी थी, 2-3 बार गया उसके पास तो वो मिला नहीं मेरे को, तो फिर मैंने लास्ट में 1100 नंबर हेल्पलाइन में कंप्लेंट करी, उसने झूठी स्टेटमेंट दे दी 1100 नंबर में। मेरे को 1100 नंबर वाले बोलते कि इसका मकान पक्का है, तो मकान का तो मेरे भाइयों ने और रिश्तेदारों ने बनवा के रखा है, उसमें अभी फर्श नहीं डले हैं, दराज जो है वो उनके पैसे देने हैं, दराज घटकी वाले कोई पैसे नहीं पड़े हैं, और मेरी जो सेब है वो मेरा बड़े भाई संसार चंद और उसकी धर्मपत्नी राज्यदेवी पत्नी है और उनकी बहू रिश्तेदारों के चलता है।